चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर दें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से रिलीज एक नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों ऐसी ही भर्ती, ऐसी ही सूचना, ऐसी ही जानकारी के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं नोटिफिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट की। आपको नोटिफिकेशन है वो कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है www.bankofbaroda.in/career। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको सबसे पहले जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन है वो आपकी 7 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है वो आपकी रहेगी 27 जनवरी 2022। तो सबसे पहले स्टार्टिंग डेट और जो क्लोजिंग डेट है वो आप यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पोस्ट नेम की, कि पोस्ट की नाम क्या होगा या पोस्ट क्या होगी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की यहाँ पे पोस्ट है, AMO की यहाँ पे पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर अपन बात करें या नंबर ऑफ पोस्ट की अगर अपन बात करें तो 47 यहाँ पे वैकेंसी है, 47 यहाँ पे पोस्ट है। एज लिमिट की अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज है वो 25 वर्ष है और मैक्सिमम जो एज है वो 40 वर्ष यहाँ पे एज क्राइटेरिया है वो डिसाइड किया हुआ है। अब बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इसके लिए 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनिमल साइंस वेटनरी साइंस डेयरी साइंस फिशरी साइंस एग्री मार्केटिंग अगर आप हो, या फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी फूड साइंस एग्री बिजनेस मैनेजमेंट फूड टेक्नोलॉजी डेयरी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब इतनी अगर इनमें से कोई भी डिग्री अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे 2 ईयर जो आपका डिग्री प्रोग्राम है पीजी प्रोग्राम हो वो भी इन्होंने यहाँ पे मांगा है। तो अगर आपने MBA कर रखा है रूरल मैनेजमेंट में, या आपने अगर आपके पास MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लगभग 9 प्रकार के अलग अलग यहाँ पे पीजी कोर्सेज मांगे गए हैं। अगर आप में इनमें से कोई भी आपके पास है, या जैसे BSc एग्रीकल्चर हो प्लस आपके पास ये कोर्स हैं, तो आप यहाँ पे मैनेजमेंट में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके पास यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा है, आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है काम का, 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है काम का, अगर आपको नॉलेज है और आपने कहीं काम किया हुआ है 3 ईयर का, तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस अपना यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है आराम से आप देख सकते हो, क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे बता रखी है। आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है जैसे MBA का है और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, या एग्री बिजनेस रूरल डेवलपमेंट में अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे जोन वाइज डिटेल दे रखी है, तो जो भी कैंडिडेट हैं जोन वाइज यहाँ पे डिटेल रीड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप पूरी अगर अपन बात करें कि पोस्टों के बारे में, सबसे पहले अपन बात करें पोस्टों के बारे में, तो यहाँ पे SC की 7 है, ST की 3 है, OBC की 12 है, EWS की 4 है, UR की 21 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 47 है। और यहाँ पे इसकी जो क्राइटेरिया डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो, एज में जो रिलेक्शन मिलता है वो डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ी की, एप्लीकेशन पेमेंट की, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन रहेगी जर्नल और EWS और OBC कैंडिडेट यहाँ पे 600 रुपये यहाँ पे फीस रहेगी, और SC ST PWD और वुमेन के लिए यहाँ पे 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे रहेगी। अगला मेट्रो सिटी या फिर नॉन मेट्रो, तो यहाँ पे 18 लाख उनके लिए है और 15 लाख है, तो यहाँ पे मुंबई है, न्यू दिल्ली है, या डिटेल कोलकाता है, तो वो यहाँ पे जगह यहाँ पे दे रखी है। और सिलेक्शन प्रोसेस है वो अभी मतलब ये क्राइटेरिया है वो डिटेल आपकी होने के बाद क्राइटेरिया डिसाइड हो जाएगा। हाउ कैन अप्लाई, तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो वेबसाइट आपके सामने है www.bankofbaroda.in/career पे आप जाके देख सकते हो, या बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। ये 15 पेज की PDF है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, जो भी योग्य कैंडिडेट है, वो वेबसाइट पर विजिट होके इनकी पूरी जानकारी आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पूरी डिटेल क्राइटेरिया मिल जाएगा। तो अगर दोस्तों ऐसी ही जानकारी आप देखना चाहते हो तो
आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो भी जानकारी आती है, जॉब अपडेट आती है, सूचना आती है। ये 5 ईयर एक बार ये मतलब ये उनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, और जैसे हर बैंक में जैसे आपका SBI है तो उन्हीं की सेम प्रोसेस है। एक बार आप नोटिफिकेशन को पूरा रीड करें अच्छे तरीके से, अगर आप योग्य हैं नोटिफिकेशन को रीड करें, A to Z जानकारी नोटिफिकेशन में दी हुई है, पॉइंट टू पॉइंट नोटिफिकेशन को रीड करें। नोटिफिकेशन में जो भी क्राइटेरिया डिटेल है, अगर आप उससे योग्य हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।